सहनाभवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक जीवन पद्धति इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना तथा अपने आचरण मिलाना, अपने व्यवहार मिलाना, ये हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। जब हम निरंतरता से नित्य प्रति वेदों का स्वाध्याय करते हैं तो एक-एक उपदेश हमारे जीवन और जगत के लिए अत्यंत कल्याणकारी हो जाता है। जैसे शरीर की पुष्टता के लिए भोजन आवश्यक है, वैसे ही अपने इस जीवन को दिव्यता से, भक्ति से और मुक्ति पूर्वक जीने के लिए ज्ञान की परम आवश्यकता है। और यह ज्ञान जो संपूर्ण संसार का ज्ञान है, उसका जो मुख्य स्रोत है वह है वेद। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, इसलिए हम इस सत्य विद्या का, इस कल्याणकारी विद्या का अपने जीवन में आधान करें और अपने जीवन को इस ज्ञान से महान बनाएं। इस जीवन से अपने प्रत्येक कर्म का जब हम संपादन करते हैं तो वह कर्म हमारा दिव्य बन जाता है। सत्य का आचरण करें, सत्य से ही यह जीवन चलता है। तो बहुत ही सुंदर वेद मंत्र, सत्य की रक्षा और असत्य का नाश, यह बहुत बड़ी प्रेरणा है इस वेद मंत्र में। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल के 104 सूक्त का 12वां मंत्र आपके समक्ष रखूंगा मैं। ओम सुविज्ञानम् चिकतुषे जनाय सच्चा सच्चा
वचसी अस्पृधाते। वचसी अस्पृधाते। तयोर यत सत्यम्। यतरत रिजीयस। तद इत्सो मोवती। हंत्यासत। ऋग्वेद के सातवें मंडल की 104वें सूक्त का यह 12वां मंत्र है। ओम सुविज्ञानम चिकितुषे जनाय सच्चा सच्च वचसि पस्पृधाते तरो तयोर्यत सत्यम यतरद्रजीयस्तद्
सोमवती हन्यासत ओम सुविज्ञानम चिकित्सुषे जनाय सच्चा सच्च वचसि पस्पृधाते तरोतयोर्यत् सत्यं यतर दृजेयस् तदित सोमवती हन्यासत। हन्यासत कहा बहुत सुंदर कि सत्य की रक्षा हमको करनी चाहिए और असत्य का नाश करना चाहिए। सत्य से युक्त जीवन हो, सत्य से परिपूर्ण जीवन हो और असत्य से हम दूर रहें, असत्य का हम नाश करने वाले हों। ऐसी दिव्य भावना जब हमारे जीवन में आएगी तो निसंदेह हम श्रेष्ठ जीवन जी पाएंगे। वेद मंत्र में कहा चिकित्सुषे, जानने वाले जनाए मनुष्य के लिए, सच्चा असत्य, सत्य क्या है और असत्य क्या है। जो मनुष्य जिज्ञासु है, जो मनुष्य जानने की इच्छा रखता है, उसको ज्ञान के प्रति श्रद्धा है, तो उसको क्या जानना चाहिए। तो यहां उपदेश कर रहे हैं कि सच्चा सच्चा सुविज्ञानम चिकित्सुषे जनाय सच्चा सच्चा, अर्थात जो सत्य है और असत्य है, ये दोनों सुविज्ञानम अच्छी प्रकार से जानने के योग्य हैं। जीवन क्या है, जगत क्या है, ईश्वर जीव प्रकृति क्या है, हमारा जीवन किस लिए मिला है, कैसे इसको जीना है, ऐसे बहुत जो महनीय और बहुत ही जो अनुकरणीय वेद का ज्ञान है, इसको आत्मसात करके हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए और इस जिज्ञासा से हम श्रेष्ठतम जीवन जीने वाले बने। जिज्ञासा ज्ञान की, और ज्ञान में सत्य असत्य क्या है इसको समझना, इसको अच्छी प्रकार से जानने की योग्य है, क्योंकि यह दोनों वचन जो सच्चा सच्चा वचसी, सत्य और असत्य, ये दोनों वचन पस प्रधाते, ये परस्पर स्पर्धा करते हैं, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए दोनों को हमको जानना परम आवश्यक है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, दोनों को जानना, क्योंकि ये परस्पर क्या है, विरोधी हैं। पस्प्रधाते तयो, उन दोनों में यत सत्यम, सत्य और असत्य में जो वास्तव में सत्य है, और यतरत ऋजीयः जो अधिक ऋजु धर्मानुकूल है, जो सत्य हमारे जीवन और जगत के लिए कल्याणकारी है, हमारे घर परिवार समाज संसार के लिए कल्याणकारी है, हमारे संबंधों के लिए कल्याणकारी है, ऐसा सत्य वास्तव में धर्म का मार्ग दिखाता है, धर्म के अनुकूल है, इसकी ही सोमा उत्तम शासक विद्वान अवति रक्षा करता है। विद्वान व्यक्ति इसकी रक्षा करता है और असत हंती, असत को विनष्ट करता है। कहा जो है तत् सोमावती इसकी रक्षा करता है और असत्य का हंत्यासत, असत्य का हनन करने वाला है। इसलिए बहुत ही उत्साह, बहुत उमंग के साथ सत्य का सदा हमको मान रखना चाहिए, सत्य का सम्मान करना चाहिए, यही बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। विद्वान जन अपने विवेक से सत्य और असत्य का निर्णय अच्छी प्रकार से करें, और जब वो अच्छी प्रकार से सत्य असत्य का निर्णय कर लेते हैं,
सत्य को जाने और असत्य को भी जाने, तब सत्य की रक्षा और असत्य का नाश पुरुषार्थ पूर्वक करना चाहिए। जो असत्य है तो असत्य के लिए हमको कभी भी उसका पक्ष नहीं लेना चाहिए असत्य का, क्योंकि सत्य ही शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यमेव जयते, यह जो उद्घोष है हमारे ऋषियों का, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोले प्रिय बोले, क्योंकि सत्य से ही हमारे संबंध ठीक ठीक चलते हैं। यदि संबंध हमको ठीक रखना है, संसार के व्यवहार में हमको खरा उतरना है, खरी कसौटी में उतरना है हमको, तो झूठ नहीं बोलें। और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, ये बात कही है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप, प्रभु जी ताके हृदय आप। सत्य का सदा हमको पोषण करना चाहिए और असत्य का शोषण करना चाहिए, जाने दोनों को, क्योंकि यजुर्वेद में ईशोपनिषद में बात आई है कि हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखं तत्त्वं पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। यह जो सत्य है यह इस संसार के चकाचौंध में ढका हुआ है। जो सत्य का सत्य रूपी अमृत है, जो सत्य रूपी ज्ञान है, विज्ञान है, इस संसार का झूठा आवरण या इस संसार का जो भोग विलास है, जो स्वार्थ है, जो संकीर्णता है, जो अपने क्षणिक सुख का चाहने वाला है, इस असत्य को सामने रखता है और असत्य में फंस जाता है। तो प्रार्थना की है कि हे परमपिता परमेश्वर, आप इस संसार की जो चकाचौंध है, जो आसक्ति है, जो वासना है, जिसके कारण मैं सत्य को नहीं देख पा रहा हूं, इसका जो आवरण पड़ा हुआ है, इसका जो पर्दा पड़ा हुआ है, इस पर्दे को आप हटा दीजिए। इसलिए तत्वम पूषण अपारुणो, हे पुष्टिकर्ता परमात्मा, आप उस जो है पर्दे को, उस आवरण को हटा दीजिए। इसलिए सत्य धर्माय दृष्टये, जिससे मैं सत्य स्वरूप का, सच्चाई का, अच्छाई का दर्शन कर सकूं और उसको अपने आचरण में उतार सकूं। यह सत्य हमारे घर परिवार को अच्छा बनाता है। कोई कितना भी झूठ बोलने वाला व्यक्ति हो, असत्य बोलने वाला व्यक्ति हो, जो लोग बोलते हैं कि वो सच्चाई का जमाना चला गया, अब तो झूठ ही बोलना पड़ता है तब काम चलता है, ऐसा व्यक्ति जो कहता है, वो उसकी एक दृष्टि है, लेकिन वह व्यक्ति कभी भी एक बार भी ये नहीं चाहेगा कि उस जो वो सत्य नहीं बोल पाता है, झूठ बोलता है और झूठ बोलने का स्वभाव बना लिया है, तो वह व्यक्ति भी सदा यह कामना करता है, जो मेरे मित्र हो, मेरे घर परिवार के लोग हों, मेरी पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, संबंधी जो भी हो, वो कभी मुझको धोखा ना दे, वो सदा मेरे साथ भी सदव्यवहार करते रहे, वो सदा सत्य बोले मेरे से। एक झूठा व्यक्ति
असत्यवादी, असत्य भाषण करने वाला व्यक्ति सत्य की कामना करता है कि मेरे साथ लोग सही बर्ताव करें, सच्ची बात मेरे से बोले, झूठ मुझको बोल करके मुझको धोखा ना दें। तो इससे यह जात होता है, यह सिद्ध होता है कि वास्तव में हमको सत्य असत्य का भेद समझना चाहिए, और जब भेद समझ लिया तो सत्य की राह पर चलना, सत्य का जीवन में आचरण करना, सत्य की रक्षा करना। आप सत्य की रक्षा करेंगे तो सत्य आपकी रक्षा करेगा, धर्म की आप रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। हम छोटे छोटे बच्चों से यह कामना करते हैं कि सत्य बोले, लेकिन हम उनको यह शिक्षा व्यवहार में दे नहीं पाते। मैं निवेदन करूंगा कि कभी भी अपने बच्चों के सामने झूठ व्यवहार ना करें। कई लोग बोल देते हैं बच्चों से, कोई बाहर पूछने आया कि है क्या घर में, बच्चों से बोलते जाओ बाहर बता दो कि है नहीं। अब बच्चों को हम ही झूठ बोलना सिखाते हैं। बचपन में जो झूठ, जो असत्य उनके मस्तिष्क पर पड़ जाता है, मिटता नहीं है। तो एक बार भी विनोद में भी, हंसी मजाक में भी कभी भी झूठ ना बोले, सत्य का आचरण करें तो जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।